बच्चों कहानी सुनना किस किस को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है? सबको? चलो फिर आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है टपका का डर। क्या नाम है? देखो कहानी में एक दादी माँ होती है जो बेचारी बूढ़ी होती है। कैसी होती है? हमारी दादी माँ है, बूढ़ी हो चुकी है। और एक होता है बाघ। बाघ बड़ा खतरनाक होता है ना। बाघ से किस को डर लगता है? सबको डर लगता है इससे। क्या होता है, एक बार बहुत तेज बारिश हो रही होती है। क्या हो रही होती है? अब बेचारी बूढ़ी माँ का घर बारिश में टपकने लगता है। टप 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 टप। अब वो जो पानी है वो बूढ़ी माँ खाना बना रही होती है, उनके खाने में पानी गिर रहा होता है, तो बेचारी बूढ़ी माँ बहुत परेशान हो जाती है। वहां पर एक बाघ भी था आसपास। आसपास कौन था? अब क्या होता है, धीरे धीरे बारिश ओलों में बदल जाती है। ओले पड़ते हुए देखे? अब बेचारे ओले जो है वो बाघ के सिर पे गिरते हैं। टप 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 टप। अब बाघ बेचारा कूदता 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 ओलों से बचता बचता बूढ़ी माँ के घर छिप जाता है। बूढ़ी माँ के घर छिप जाता है। अब बूढ़ी माँ बेचारी खाना बना रही होती है चावल, और उसके चावलों में पानी टप टप गिर रहा होता है। तो बूढ़ी माँ क्या बोलती है, इतना डर तो मुझे बाघ से भी नहीं लगता जितना टपके से लगता है। क्या बोलती है? इतना डर तो मुझे बाघ से भी नहीं लगता जितना टपके से लगता है। अब बाघ बूढ़ी माँ की बात सुन रहा होता है। बाघ क्या कर रहा होता है? बूढ़ी माँ की बात सुन रहा होता है। बाघ सोचता है ये टपका तो बड़ा खतरनाक है, ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, मैं यहाँ से और बेचारा बाघ बूढ़ी माँ की बात सुनकर वहां से भाग जाता है। तो इस कहानी में क्या था? शेर और बाघ और दादी माँ। और बाघ की बात दादी माँ की बात सुनकर बाघ भाग जाता है। क्या करता है?